उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए वितरण के लिए आए दर्जनों जूते फेंके जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस तरह नौनिहालों के लिए सरकार के द्वारा भेजे गए जूतों की फेंकने से ये तो बात साफ है कि जूते नौनिहालों तक नहीं पहुंचे और अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने पूछे जाने पर भी पल्ला झाड़ा और अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया, जिससे ये साफ है कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी लालजी यादव ने कहा कि जूते फेंकने के मामले में जांच कराई है, यदि कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला था जूता फेंकने का, सर पूरा डिटेल में बताएं सर। मामला ब्लॉक में एक विद्यालय में संज्ञान में आया है, तो बीओ से जांच मांगे हैं। ये घटना प्राथमिक विद्यालय नगला चूड़ा की है। बताया जा रहा है कि विकास खंड मोहम्मदाबाद के नगला चूड़ा गांव के खेत में तकरीबन 50 जोड़ी जूते पड़े हुए मिले हैं, जिससे मौके पर भीड़ लग गई। जूते पड़े देखकर ग्रामीण जूते उठाकर घर ले गए थे। फिलहाल ये तो तय हो गया है कि सरकार की व्यवस्था को धरातल पर लाने की जगह उनके ही अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।